गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करेंगे. यूनिट फर्स्ट हमारी इंटीजर्स हैं, उसमें आपको एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करवाने जा रही हूँ. सबसे पहले मैं आपको फॉलोइंग नंबर्स लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. आपको फर्स्ट क्वेश्चन यही दे रखा है कि नंबर लाइन के ऊपर टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस के अंदर दे रखे हैं. ठीक है, देखो लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी एंड बेंगलुरु, इन सब के टेम्परेचर आपको एरो का साइन लगा कर दिए हुए हैं. आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करो सबसे पहले, और फर्स्ट पार्ट जो है उसका सोल्यूशन आपको खुद देना है. वैसे मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं सारे यहाँ पर, लेकिन आपको खुद भी समझ के करना है सारा ये. ठीक है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट. देखो नंबर लाइन को पढ़ो, देखो, और उसमें जो आपको प्लेसेस दे रखी हैं, जो जगहें दे रखी हैं, उनके टेम्परेचर को मार्क किया हुआ है, उसको आपको शो करना है कि क्या लिखा हुआ है. देखो लाहौल स्पीति के अंदर -5 से इस साइड आओ, -6, -7, -8 आ रहा है ना. तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस. श्रीनगर का टेम्परेचर जो है आपके पास है -0 से इधर आ रहा है, -1, -2, तो -2 डिग्री सेल्सियस. शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और ऊटी का टेम्परेचर देखो, ऊटी का टेम्परेचर आपके पास है 14 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और बेंगलुरु का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये आपके सारे सामने ही दे रखे हैं, मैंने इसमें कुछ वो नहीं किया, आप खुद पढ़ के भी इसको बता सकते हो. बी पार्ट देखो, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव. देखो सबसे ठंडा और सबसे गर्म के बीच का डिफरेंस बताना है. सबसे ठंडा कौन सा है, लाहौल स्पीति है. लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस. और सबसे कोल्डेस्ट हॉटेस्ट कितना है, हॉटेस्ट आपके पास बेंगलुरु है. बेंगलुरु का टेम्परेचर आपके पास है 22 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, डिफरेंस बताना है. देखो 22 डिफरेंस के लिए माइनस का यू साइन यूज़ करते हैं, 22 माइनस -8, तो इसको जब आप देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 22 प्लस 8 कितने हो जाएंगे, 30 डिग्री सेल्सियस. तो इसका आंसर कितना आएगा, 30 डिग्री सेल्सियस. ओके, थर्ड पार्ट देखो, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर. लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का डिफरेंस बताना है टेम्परेचर का. लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और श्रीनगर का कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस. इन दोनों के बीच डिफरेंस बताना है, तो बीच में माइनस का साइन आएगा. सॉल्व करोगे तो -6 डिग्री सेल्सियस आंसर आएगा इसका. ठीक है, डी पार्ट आप खुद पढ़ के करोगे, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन है, तो आप खुद भी सॉल्व करके देखना, डी पार्ट आप खुद करो, नहीं होता तो मुझे बता देना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो. क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या कह रहा है, इफ़ जैक स्कोर्स 5 सक्सेसिव राउंड्स वर. जैक जो है एक कंपटीशन के अंदर जाता है, कंपटीशन के अंदर उसके 5 राउंड्स होते हैं. 5 राउंड्स के अंदर वो फर्स्ट राउंड के अंदर 25 मार्क्स लेता है, सेकंड राउंड के अंदर -5 मार्क्स लेता है, थर्ड राउंड में -10 मार्क्स लेता है, 10 मार्क्स लेता है, और फोर्थ राउंड के अंदर 15, और फिफ्थ राउंड के अंदर वो 10 मार्क्स लेते हैं. ठीक है, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड. आपसे पूछा गया है कि लास्ट में जाकर उसके मार्क्स का टोटल कितना बनेगा, टोटल कितना बनेगा. तो हमें इसका मतलब क्या करना है, हमें इन सभी इंटीजर्स को क्या करना है, ऐड करना है. ठीक है, ऐड करने के देखो सीधी सी बात है, ऐड कर दो 25 में. देखो जो जिनके आगे प्लस का साइन है वो सीधा सा ऐड कर दो, और जो माइनस वाले हैं उनको बाद में लिख के ऐड कर देना. जैसे 25 प्लस 15 प्लस 10, देखो इकट्ठा कर दिया मैंने इसको, -5 और -10, इनका साइन चेंज नहीं करना, साइन ऐसे का ऐसे ही रहेगा, -5 और -10. 25 प्लस 10 प्लस 15 ये कितने बन गए, 40 प्लस 10. देखो 25 और 15 कितने हुए, 40, और प्लस 10 करोगे तो 50, और देखो -5 और -10 क्या होते हैं, -15, तो 50 -15 कितने हो गए, 35 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. ठीक है, श्रीनगर टेम्परेचर वाज, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में वो कहते हैं श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे को क्या था, -5 डिग्री सेल्सियस था. ठीक है, और ट्यूसडे को ये क्या कहता है कि ड्रॉप इट हुआ, ड्रॉप कितना हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस. ड्रॉप का मतलब होता है कम होना. मंडे को अगर -5 था, ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो इसका मतलब ट्यूसडे को उसका टेम्परेचर कितना हो गया, ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना हुआ,
सेवन हो जाएगा ना माइनस के सेवन, तो माइनस फाइव माइनस टू कितने हो जाएंगे, माइनस सेवन। ठीक है, वेडनेसडे को टेम्परेचर वो कहते हैं कि रोज हो रहा है, रोज मतलब बढ़ रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ठीक है, वेडनेसडे को टेम्परेचर बढ़ गया, तो ट्यूसडे को कितना था, माइनस सेवन था, 4 डिग्री सेल्सियस वेडनेसडे को बढ़ा है, इसका मतलब बढ़ने के लिए कौन सा साइन यूज़ करेंगे, प्लस का साइन करेंगे। तो प्लस का साइन यूज़ करने के लिए देखो, माइनस सेवन तो माइनस सेवन वैसे का वैसे ही रहेगा, और प्लस फोर और करोगे तो आपके पास माइनस प्लस माइनस होके सेवन में से फोर लेस करोगे तो आपके पास माइनस थ्री आएंगे। ठीक है, माइनस थ्री आएंगे तो हमारे पास वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना आ जाएगा, माइनस 3 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर फोर देखो, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ अबव द सी लेवल। एक प्लेन है, देखो एक सी लेवल, सी समंदर के ऊपर जो पानी का स्तर है ना उसके ऊपर, देखो वो 5000 मीटर की, 5000 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। ठीक है, और देखो एक सब मैरिन दे रखी है, वो फ्लोटिंग हो रही है किसके अंदर, सी लेवल से नीचे 1200 मीटर, 1200 मीटर नीचे की साइड। तो वो कहते हैं कि वर्टिकल डिस्टेंस बताओ, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस मतलब ऊपर से लेके नीचे तक जहाँ तक उनके बीच का है ना, टोटल डिस्टेंस बतानी है आपको। वर्टिकल होते हैं सीधे खड़े होके, ठीक है, हॉरिजेंटल होते हैं ऐसे लेटा हुआ, तो वर्टिकल में आपको बताना है। तो 5000 के अंदर 1200 आप क्या कर दोगे, ऐड करोगे, तो 6200 मीटर इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव देखो, मोहन डिपॉजिट्स रुपीज़ इन हिज बैंक अकाउंट। देखो मोहन जो है बैंक अकाउंट के अंदर 2000 रुपये जमा करवाता है। ठीक है, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करवाना, ठीक है, और विड्रॉल का मतलब होता है निकलवाना, पेमेंट बाहर निकलवाना। ठीक है, विड्रॉ, तो उसने क्या किया, अगले दिन 1642 रुपये विड्रॉ करवाए, विड्रॉ मतलब निकलवा लिए। तो वो कहता है कि बताओ कि बैलेंस कितना उसके अकाउंट में बचा। तो सीधी सी बात है, 2000 जमा कराए थे, 1642 रुपीज़ उसने निकलवा लिए, तो उसके पास कितने रुपीज़ बचे, 358 रुपीज़ बचे, 358 रुपीज़। ठीक है, और विड्रॉ शोज़, विड्रॉ का मतलब क्या होता है, निकलवाना, निकलवाना मतलब लेस, लेस का मतलब विड्रॉ क्या चीज़ शो करेगा, नेगेटिव इंटीजर, और डिपॉजिट किसको शो करेगा, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो, क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर वो कहते हैं कि रीटा जो है वो ए पॉइंट से ईस्ट की ओर जाती है, ईस्ट की ओर जाती है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर। ठीक है, और ईस्ट से वापस मूव करती है और वेस्ट की तरफ जाती है, तब उसका डिफरेंस, उसका टोटल डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर। तो आपको ये बताना है कि ए से वेस्ट की तरफ जाने पे उसका जो डिस्टेंस है वो कितना ट्रैवल होगा। सीधी सी बात है, देखो ईस्ट से वेस्ट तक 30 है और ए से ईस्ट तक 20 है, तो बचा कितना, ए से पीछे की साइड जाएंगे तो 10 होगा ना, तो 10 बनेगा, और 10 बनेगा तो 10 को पहली बात किससे शो करोगे, देखो ए मिड पॉइंट है, जीरो पॉइंट है, ए से अगर इस साइड जाएगा, ए से लेफ्ट साइड जाएगा, तो वो शो करेगा नेगेटिव इंटीजर को, तो अपने पास आंसर कितना आएगा, माइनस 10 इंटीजर विल वी रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। ठीक है, तो ये अपने 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं, अभी क्वेश्चंस और भी हैं इसके, लेकिन आपको 6 क्वेश्चंस आपको मैंने करवा दिए हैं, 7th 8th क्वेश्चन मैं आपको कल करवा दूँगी और अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको जैसे मैंने काम किया है इसके अंदर वैसे एज इट इज़ नोटबुक के अंदर करना। ठीक है, थैंक यू।